कार्यक्रम होते थे लेकिन सांग होते थे ज्यादा संख्या में। सांग आज भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा सांग होते थे। किस किस ने देखे हैं सांग? कुछ अच्छा। ने तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए जिन्होंने अपनी टांग नहीं देखी पर सांग देखी। हेलो भैया आवाज उठाओ। जिनकी उम्र इतनी है कि वो हम भी नहीं देख पाए कुछ सांगों को, तो पर लेकिन जो देख लिए हाँ इन्होंने देख दिए। हाँ पर इन्होंने वो सांग नहीं, इन्होंने सॉन्ग देखे सॉन्ग। हाँ, हाँ। आइए कभी नहीं उपदेश के माध्यम से लिखा कि हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी ने अपनी लेखनी से इसे रागनी को लिखा है और बताया कि पहले के टाइम में जब दादा लक्ष्मी चंद जी सांग कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे ऐसे ही गांव के चौक में, तो सभी लोग बैठे प्रोग्राम देख रहे थे, सभी उस्ताद लोग बजा रहे थे। सांग करते करते दादा की नजर एक चौबारे के अंदर चली जाती है। चौबारे के अंदर दादा ने देखा एक लड़की को। लड़की को देखते ही दादा ने सांग को बंद करवा दिया, तो सभी उस्ताद लोग कहने लगे कि दादा आपने सांग क्यों बंद करवा दिया? न्यू कहने लगे भाई सांग तो अब शुरू होगा। न्यू कहने लगे सुबह से लेके शाम हो गई और आप ये कह रहे हो कि सांग अब शुरू होगा? न्यू कहने लगे हाँ भाई सांग अब शुरू होगा। दादा ने पूरा सांग एक रागनी के माध्यम से उस लड़की की सुंदरता का वर्णन कराया और क्यों कर कर इस रागनी के माध्यम से के बताया। तेरी झांकी के बाटी गोफिया सन का और कहने लगे हेर एक निशाना चूपण दूना छलिया बालक पने का। अरे एक निशाना चूपण दूना छलिया बालक पने का। तेरी झांकी के गोला मारू बाट गोफिया सन का। एक निशाना चूपण दूना छलिया बालक पने का। एक निशाना चूपण दूना छलिया बालक पने का। पटेरे पे
लेकिन आज से पहले अपनी जिंदगी में इससे सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। और कैसे नहीं देखी, दूसरी बात मैं के बताया। गांव से सिरसा जाटी और मैं
चेला मान सिंह बामन का एक निशाना चूकण दियो ना छलिया बालक पणे का एक निशाना चूकण दियो ना छलिया बालक पणे का तेरी झांकी के मां गोरा मारू पाट को पिया सड़का एक निशाना चूकण दियो ना छलिया बालक पणे का एक निशाना चूकण दियो ना